हेलो दोस्तों, मैं सुमित हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro हो गया या फिर Redmi Note 9 Pro Max हो गया, फिर Poco M2 Pro हो गया या फिर Redmi Note 9 S हो गया, जो कि भाई आउट ऑफ इंडिया में है। ये तीनों चारों डिवाइस के अंदर कैसे आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी एक ही फाइल को, एक ही भाई जो भी कस्टम होती है एक ही लगेगी, इनके लिए कोई अलग अलग नहीं होती। ये चार डिवाइस जो हैं, चारों डिवाइस के लिए एक ही कस्टम रोम होती है, जो भी ये समझा दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro हो, Pro Max हो, तो प्लीज़ यार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर मैं कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे लाने वाला हूं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ भाई ये क्या सीन है, ये चारों के चारों डिवाइस के अंदर एक ही कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल होती है। देखो यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ, तीन डिवाइस मेरे पास अलग है, Redmi Note 9 Pro Pro Max है, Redmi Note 10 10 Pro Max है और ये Redmi Note 7 7S है। तीनों डिवाइस अलग अलग है, लेकिन जो कस्टम रोम है इन तीनों के लिए अलग अलग आती है। ऐसे नहीं कि भाई Redmi Note 7 7S की इसमें इंस्टॉल कर लूँगा, इसमें इंस्टॉल कर लूँगा, नहीं, वही सेम अलग अलग डिवाइस के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चार डिवाइस है जो कि Redmi Note 9 सीरीज़ के डिवाइस हैं। तो यार मैं दिखाने वाला था इस फोन में, तो क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई, यहाँ पर मैं दिखाने वाला था ये कि देखो Redmi Note 9 Redmi Note 9 S है, ठीक, उसके बाद 7 Pro कहाँ से आ गया भाई, 9 Pro हो गया, 9 Pro Max हो गया जो कि ग्लोबल में भी है, Pro Max हो गया और यहाँ पर Poco M2 Pro। ये तीनों चारों डिवाइस जो सारे के सारे सेम है, कस्टम रोम सेम आती है। क्यों आती है, अब देखो इन्होंने रीज़न दिया गया है कि यहाँ पर जो भाई इन चारों डिवाइस के अंदर जो सेम प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है, इसलिए इन तीनों का भाई जो कस्टम रोम है सेम है। अब ये नहीं कि आपके पास कोई ओप्पो वीवो का फ़ोन उसके अंदर सेम प्रोसेसर दिखता था इसलिए कस्टम रोम ये वाली आप उसमें डाल दोगे, नहीं भाई, MI के हैं और Poco के हैं, दोनों भाई कंपनी एक है, इस वजह से भाई सेम है। देख सकते हो यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर डेवलपर्स ने ऐसा बोला कि जितने भी डिवाइसेस सब में सेम ही आपको कस्टम रोम डालना है, कोई अलग नहीं डालना है। तो बस बात मैं आपको ये समझाने वाला था, बाकी इंस्टॉल कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जो भी आप रोम डाउनलोड करोगे, देखो जैसे कि अभी मैंने इसमें MIUI 12.5 या MIUI 12.6 डाला हुआ है, ये मैंने डाला था, ट्राई करा था, मज़ा नहीं आया इसमें, लैग वगैरह, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला। तो मैंने सोचा कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं पहले ये बता दो, उसके बाद मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो लाऊंगा, MIUI 12.5 की भी आपको वीडियो आएगी। तो देखो डिस्क्रिप्शन में बस एक ही फाइल का डाउनलोड लिंक दिया करूंगा जो कि चारों डिवाइस के लिए अवेलेबल होगी। ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा ताकि आप समझ सको। अब देखो जैसे कि अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एक तरह से, जो कि इनका एक कोड नेम है जिसका नाम है MI TOL, ठीक है। यहां पर जैसे व्हाट इज MI TOL, यानी कि MIA TOL आप बोल सकते हो या फिर MI TOL बोल सकते हो, MI TOL सही है भाई, जो भी आपको अच्छा लगे। MI TOL जो एक कोड नेम है, ये कोड नेम होते हैं वैसे तो, देख सकते हो ये करेक्टर, पता नहीं भाई क्या कैसे कैसे कोड नेम है, ये करेक्टर, इनके करेक्टर नेम होते हैं, बट यहां पर करेक्टर नेम बोल रहा हूँ, कोड नेम होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, कोड नेम ये होते हैं, बट इन सब का एक कोड नेम बनाया जो कि कस्टम रोम, जो कि जिसका नाम MI TOL, ठीक है, ये कस्टम रोम का जो कि इस फोन के अंदर भाई डलेगा आपके पास कोई भी हो। पिक्सल यहाँ पर पिक्सल प्लस UI मैंने डाला है जो कि MI TOL, यहाँ पर MI TOL जो भी है इसके अंदर डाला हुआ एंड्रॉयड 11। अब ये वाला फाइल आप चारों फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले आपको डिवाइस को बूट लोडर अलग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद TOP रिकवरी इंस्टॉल करने का, जो कि चारों के डिवाइस का सेम मेथड है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बूट लोडर अलग और TOP रिकवरी इंस्टॉल, जाके जो उसे देख लेना। अब उसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद सब कुछ अपने फोन का भाई बैकअप वगैरह जरूर से ले लेना, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह हो, फॉर्मेट भाई जरूर होगा, मैं हर बार क्लीन फॉर्मेट या फिर क्लीन फ्लैश के बारे में ही बताता हूँ क्योंकि कभी आपको दिक्कत ना आए। सिंपल अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबा के रखते हैं जिससे कि हमारा रिकवरी ऑन हो जाए। तो यहाँ पर रिकवरी जो है वो ओपन हो रहा है, आपने भी ऑरेंज फोक्स डालना है तो डाल लेना, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका क्या है भाई सीन, इसको हम चले तो जनरेशन थीम यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, तो थोड़ा वाइट वाइट में आपको सही तरह से देखने को मिलेगा। और इसकी ब्राइटनेस भाई किधर से होती है, ब्राइटनेस भी अभी हम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर, अब आपको देखने को मिल रहा होगा सही तरीके से। तो देखो सिंपल अब आपको करना कुछ नहीं होता, देखो इसके अंदर ना ये जो वाइप वाला सिस्टम है ना, इसके अंदर देखो डेलवी का कैचर डाटा ना, तो इसमें सिस्टम है ना वेंडर है, क्योंकि सिस्टम वेंडर हमेशा आपको वाइप करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों डिवाइस सेम है, इस वजह से भाई आपको कुछ नहीं करना। सिंपल अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डेलवी कैच डेटा इन तीनों को सेलेक्ट करना है, बस आपको स्वाइप टू वाइप कर देना, बाकी समय क्या होता है तीन चार चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ये होता है। अब जैसे तो वाइप हो चुका सक्सेसफुल, सिंपल होम पे टैप करना है जहां पर भी आपकी फाइल थी डाउनलोड की होगी, तो मैंने MI Share से किया था भाई, देख सकते हो ये वाला फाइल है, सिंपल इस
पर टैप करना और इंस्टॉल पर टैप कर देना। देख सकते हो स्वाइप टू इंस्टॉल, ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो इंस्टॉलिंग है ये स्टार्ट हो चुका है। इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारी और मिलेगी, ऑक्सीजन ओएस हो गया, MIUI 12.5 हो गया या MIUI 13 हो गया। सबसे पहले आपको वीडियो देखने मिलेगी, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी जो भी रोम के डेवलपर्स उनका नाम ये लिखा आ रहा है, और ये रोम को इंस्टॉल करने के बाद इसका रिव्यू भी आएगा कि किस तरह से। बाकी अभी मैं बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल होता है, तो वेट कर लेते हैं इसको इंस्टॉल होने के लिए और मैं आपको बताता हूँ इसके आगे आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुल, यहाँ पर हमारा जो रोम है वो इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल आ चुका है सक्सेसफुल। अब आपको सिंपल करना क्या है, होम पे टैप करना है, लेकिन अभी आपको रिबूट नहीं करना है। ये जो बटन है वाइप, इस पे दोबारा जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। भाई मैं आपसे रिकमेंड करूँगा भाई फॉर्मेट जरूर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर यस लिखेंगे, YES, यस लिखने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग डेटा होगा। इससे क्या ये होता है भाई, क्लीन फ्लैश, फॉर्मेट नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाता है। उसके बाद आपको रिबूट टैप कर देना, और आप देख सकते हो अब जो आपका कस्टम रोम है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। इसी तरह से आपको सारे कस्टम रोम इंस्टॉल करने हैं। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ कस्टम रोम जैसे होते हैं उसके अंदर आपको पैच भी मिलते हैं इंस्टॉल करने के, जैसे कि रोम होगा और कुछ फिक्सेस के पैच होते हैं वो अलग से आपको इंस्टॉल करने होते हैं। तो सिंपल रोम इंस्टॉल किया, उसके बाद वो वाला जिप को इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद आपको जो करना है वो करते रहो। बाकी आपको लास्ट में फॉर्मेट करना होता है, 2-3 पैच है। बाकी जब भी मैं वीडियो बना करूँगा कस्टम रोम में तो मैं बता दे करूँगा कि हाँ इस रोम के अंदर एक्स्ट्रा फाइल है, उनको जरूर से डाउनलोड कर लेना और भाई इंस्टॉल जरूर से कर लेना, वो मैं बता दिया करूँगा। बाकी अभी के नहीं, इस रोम के अंदर तो भाई एक ही था, बस रोम फ्लैश कर दो और बाकी यहाँ पर फॉर्मेट कर दो। देख सकते हो पिक्सल प्लस UI जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। भाई ये मेरे को अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट, स्मूथेस्ट और भाई मस्त वाला रोम लगा है, इसलिए मैं इसको भाई काफ़ी सही बहुत सारे डिवाइस में यूज़ करता था। रेडमी नोट 7 में भी यूज़ किया, फिर पोको F1 के अंदर भी यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे बूट होके भी आ चुका है सिंपल। अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर देख सकते हो तुरंत ही हमारे चालू हो गया, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। भाई क्या होता है कभी कभार टाइम ले लेते हो, भाई यहाँ पर कोई भी टाइम वगैरह नहीं देखने में लगा है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने ये मेरे को लगा था सेटअप, मैं बाद में कर लूँगा, बट सेटअप क्या भाई ये थोड़ा सा काम, ये सेटअप भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटअप हो रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो अपने रेडमी नोट 9 प्रो, प्रो मैक्स या फिर पोको M2 प्रो के अंदर। ये देख सकते हो हमारा आ चुका है, मेरे पास जो अभी डिवाइस है वो है यहाँ पर पोको, यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, बाकी आपके पास प्रो है तो यही मेथड है, यही फाइल है और सेम यही प्रोसेसर है। देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका, और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी तो यार उसका जरूर से वेट कर लेना। तो देख सकते हो ये हो गया, और यहाँ पर मी टोल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यार आज की इस वीडियो में किस तरह से आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।